नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कई बार पुरानी बातें करने में बहुत मज़ा आता है और आज मैं आपको एक पुराना खत पढ़ के सुनाने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये खत है अमृता जी का, जो उन्होंने इमरोज को 26 अप्रैल 1960 में लिखा था। अमृता जी लिखती हैं, मेरे अच्छे जीती। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अमृता जी इमरोज जी को जीती कहती थी प्यार से, क्योंकि उनका नाम इंद्रजीत था। मेरे अच्छे जीती, आज मेरे कहने से अभी अपने सोने के कमरे में जाना, रेडियोग्राम चलाना और बर्मन की आवाज़ सुनना। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी, और मुझे बताना कि वह लोग कैसे होते हैं जिन्हें कोई इस तरह से आवाज़ देता है। मैं सारी उम्र कल्पना के गीत लिखती रही, पर यह नहीं जानती हूँ कि मैं वह नहीं हूँ जिसे कोई इस तरह से आवाज़ दे, और यह भी जानती हूँ कि तुम वह हो जिसे मैं आवाज़ दे रही हूँ, और यह भी जानती हूँ कि मेरी इस आवाज़ का कोई जवाब नहीं आएगा। कल एक सपने जैसी तुम्हारी चिट्ठी आई थी, पर मुझे तुम्हारे मन के कॉन्फ्लिक्ट का भी पता है। यूँ तो तुम्हारा अपना चुनाव हूँ मैं, फिर भी मेरी उम्र मेरे बंधन तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तुम्हारा मुंह देखा, बोल सुने तो मेरी भटकन खत्म हो गई, पर आज तुम्हारा मुंह इनकारी है। क्या इस धरती पर मुझे अभी और जीना है, जहाँ मेरे लिए तुम्हारे सपनों ने दरवाज़ा भेड़ लिया है, या भेड़ने से मतलब है बंद कर लिया है। तुम्हारे पैरों की आहट सुनकर मैंने जिंदगी से कहा था, अभी दरवाज़ा बंद मत करो हयात। रेगिस्तान से किसी के कदमों की आहट मुझे सुनाई दे रही है, पर आज तुम्हारे पैरों की ना आहट सुनाई दे रही है, ना कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। अब जिंदगी को क्या कहूँ, क्या ये कह दूँ कि अब सारे दरवाजे बंद कर ले। दोस्तों, इस खत में, इस पत्र में, इस लेटर में जो अमृता जी ने इमरोज को लिखा है, वो इमरोज को एक कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रही हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये इमरोज का जो कॉन्फ्लिक्ट वो समझ रही हैं, वो इमरोज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो शायद से उनके अपने अंदर ही कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो उन्हें ये कहने पे मजबूर कर रहा है कि इमरोज के मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट है। और वो बहुत बार कंफ्यूज हो जाती थी, ये वो खुद भी जानती थी, उन्होंने बहुत बार इसको लिखा भी है। चलिए एक उनकी नज्म आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज में धड़के, तुम मिले तो कई नज तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज में धड़के, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूट पिया, तब मस्तक में कई काल पलट गए। अब वो किसी दूसरे दौर में पहुंच चुकी हैं जो उनके शब्दों पे तारी है। एक गुफा हुआ करती थी जहां मैं थी और जोगी, जोगी ने जब बाजू में लेकर के मेरी सांसों को छुआ, जोगी ने जब बाजू में लेकर मेरी सांसों को छुआ, तब अल्लाह कसम ये महक थी जहाँ उसके होठों से आई थी, ये कैसी माया कैसी लीला कि शायद तुम ही कभी वह योगी थे, या वही योगी है जो तुम्हारी सूरत में मेरे पास आया, और वही मैं हूँ और वही महक है। ये वही योगी है जो तुम्हारी सूरत में मेरे पास आया, और मैं वही हूँ
और वही महक है। अब ये जो नज़्म मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें भी एक कन्फ्यूज़न, कन्फ्लिक्ट जो है नज़र आ रहा है। वो पूरी तरह से किसी को याद करके ये नज़्म लिख रही हैं, किसी के ख्यालों में, लेकिन वो समझ नहीं पा रही हैं कि जिस रास्ते पे वो जा रही हैं वहाँ से उसको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, उनको प्यार के बदले में प्यार मिलेगा, एहसास के बदले में एहसास मिलेंगे या नहीं। इसीलिए वो कह रही हैं कि तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज में धड़के, मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूट पिया, तब मस्तक में कई काल पलट गए। अब यहाँ से शुरू होता है उनका कन्फ्यूज़न। एक गुफा हुआ करती थी जहाँ मैं थी और एक योगी। योगी ने जब बाजू में लेकर के मेरी सांसों को छुआ, तब अल्लाह कसम ये महक थी जो उसके होठों से आई थी। ये कैसी माया, ये कैसी लीला कि शायद तुम ही कभी वह योगी थे। कॉन्फ्लिक्ट की मैंने बात की ना, तो देखिए वो कह रही हैं कि ये कैसी माया, कि कैसी लीला कि शायद तुम ही कभी वह योगी थे, या वह योगी है जो तुम्हारी सूरत में मेरे पास आया है, और मैं वही हूँ और वही महक है। तो दोस्तों, मैं आगे भी आपसे बोल चुकी हूँ कि मैं जब भी अमृता जी को पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ, तो मैं एक अलग अलग दौर में मैं पहुँच जाती हूँ। तो अभी भी मैं वैसा ही फील कर रही हूँ। आपने कैसा फील किया, आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे करके मुझे बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी बात के लिए।